गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रिम्प के बारे में, श्रिम्प श्रिम्प के कल्चर्स के बारे में, और इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एरिया हम लोग सब देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो रहा है ना, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जा रहा है। एफओ में देख लीजिए, नाबार्ड में देख लीजिए, आरआरबी एसओ है। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। इसका बहुत कम, मतलब बहुत कम है, ठीक है। हमको लगता है हार्डली 15-20 इन्फॉर्मेशन होगा, उससे आपको एक से दो क्वेश्चन आ जाएगा, और ये बहुत ईजी भी है अगर आप जानते हैं तो, और अगर नहीं जानते हैं तो बहुत टफ हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग श्रिम्प के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, वेट अ मिनट, लेट्स स्टार्ट श्रिम्प। जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्रॉन्स जो है, प्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो प्रॉन्स है वो आपको फ्रेश वाटर में होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। तो श्रिम्प जो है वो ब्रैकिश वाटर में होता है। ये बेसिक आपको जो डिफरेंस है ना श्रिम्प और प्रॉन्स में, वो यही है, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। एरिया जो है ना, लमसम 11.91 MHA है, ठीक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। हाईएस्ट एरिया और प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आंध्र प्रदेश है, प्रॉन्स में भी सेम ही था, ठीक है, यही आंध्र प्रदेश। 2021 के एफओ में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, पी मोनोडॉन के बारे में, जो इसका इसका नाम ऐसे कॉमनली इसको हम लोग टाइगर प्रॉन्स भी बोलते हैं, तो टाइगर प्रॉन्स के बारे में भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग श्रिम्प के बारे में क्या देख रहे हैं, ब्रैकिश वाटर में होता है, एरिया 11.91 MHA में है, हाईएस्ट एरिया आंध्र प्रदेश, प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश। स्पीसीज जो है जो कि कंसिडर किया जाता है फार्मिंग के लिए, वो है पी मोनोडॉन और पी इंडिकस। इंडिकस में आपको नाम ही समझ आ रहा होगा, ये इंडिया का स्पीसीज है, ठीक है, इंडिकस है ना। तो पी मोनोडॉन जो है ना, उसको टाइगर प्रॉन भी बोलते हैं। अब ये क्यों फेमस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में इसी का होता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीसीज है, ठीक है। 10 से 12 पीसेस पर kg में, 10 से 12, मतलब बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, मतलब 100 100 ग्राम का एक पीस होता है, इसलिए 10 से 12 पीस में आपको 1 kg हो जाता है, ठीक है। तो टाइगर प्रॉन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इसी के बारे में लगभग पूछा जाता है। तो चलिए टाइगर प्रॉन के बारे में हम लोग देख लें। तो टाइगर प्रॉन को बोलते हैं पी मोनोडॉन, पी मोनोडॉन को बोलते हैं टाइगर प्रॉन, ठीक है। इसके लिए सैलिनिटी हमको कितना चाहिए, 10 से 23 PPT, टेम्परेचर 12 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। FCR इसका कितना है, 1.8 से 1 तक। FCR क्या होता है, FCR मतलब फूड कन्वर्जन रेशियो, ठीक है। अब इसको बोलिएगा कि ये एक तो अजीब सा क्वेश्चन है, मगर आप याद कीजिएगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, तो 2019 में AFO में पोल्ट्री में FCR पूछा गया था, फूड कन्वर्जन रेशियो, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी हम लोग देख लेंगे और हम लोग सैलिनिटी भी देख लेंगे। तो टोटली टोटली फिर से हम लोग एक बार रिविज़न कर लेते हैं कि श्रिम्प में जो है वो ब्रैकिश वाटर में होता है, प्रॉन्स फ्रेश वाटर में होता है, ठीक है। एरिया कितना है श्रिम्प का, 11.91 MHA, हाईएस्ट एरिया आपको आंध्र प्रदेश, प्रोडक्शन भी आंध्र प्रदेश। श्रिम्प प्रॉन्स का भी सेम था, एरिया भी आंध्र प्रदेश है और प्रोडक्शन भी आंध्र प्रदेश है। श्रिम्प में हम लोग क्या देखेंगे, स्पीसीज दो ही स्पीसीज हैं जो कि फार्मिंग के लिए कंसिडर किया जाता है, वो है पी मोनोडॉन और पी इंडिकस। पी मोनोडॉन को क्या बोलते हैं, टाइगर प्रॉन। टाइगर प्रॉन फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीसीज है और टाइगर प्रॉन के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग सैलिनिटी देखेंगे कि सैलिनिटी कितना चाहिए टाइगर प्रॉन के लिए, क्योंकि ये ब्रैकिश वाटर में होता है ना, ब्रैकिश वाटर मतलब सॉल्टी वाटर ना, तो सैलिनिटी कितना चाहिए, 10 से 25 PPT के बीच में। टेम्परेचर कितना चाहिए, 12 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में। और FCR कितना होना चाहिए, 1.8 से 1। इतना आपको याद करना है, जो जो चीज़ इसमें है आपको सब याद होना चाहिए, है ना, इतना काफ़ी है आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन। हालांकि आप और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पर बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। थैंक यू।